हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आपका मेरी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए एक न्यू और बहुत इजी स्टेप के साथ एक इंटरेस्टिंग क्राफ्ट लेकर आया हूँ। और जो आपका क्राफ्ट है, ये आपका क्राफ्ट है बच्चों के लिए। बहुत ही इजी स्टेप से मैंने एक क्राफ्ट बनाया है। इसके विंग्स क्लोज हैं और साथ में मैंने दूसरा भी ये भी बनाया है, इसके विंग्स थोड़े से ओपन है, लेडी बग। दोनों इस वीडियो मैंने दोनों को बताया कि किस तरह से बनाएंगे। इसमें बेस ब्लैक है, इसमें बेस आपका रेड है, ठीक है। बहुत इजी स्टेप है, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत आराम से बना सकते हो आप। और जो इसकी मैंने लेग बनाई है, सेम आप इसकी भी लेग ऐसी बना सकते हो। इसकी मैंने लेग बना के नहीं दिखाई है, बट इसकी मैंने इस वीडियो में लेग बना के दिखाई है कि किस तरह से कटिंग करनी है। एक स्टिप फोल्ड करनी है, उसको टू टाइम फोल्ड करनी है, तो फोर एक साथ चीज़ कट हो सकती है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें मैंने ओनली सर्कल कट किया है, सर्कल कट के साथ ही अलग से पेस्टिंग की है, और इसमें क्या सर्कल के साथ में पेस्टिंग की है ये, ओके। और जैसा भी आपको क्राफ्ट लगे, अच्छा लगे, गंदा लगे, बुरा लगे, समझ में नहीं आए, जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट करना ज़रूर। और अगर आपको कुछ और क्राफ्ट, अच्छा क्राफ्ट और कुछ आइडिया हो माइंड में कि ये कैसे बनाना है, कुछ बनाना हो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जल्दी होगा मैं आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा आपके लिए, ओके। बट मुझे बताना ज़रूर कि ये क्राफ्ट कैसा लगा, ठीक है। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत ही स्टेप है, बट आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो देखनी है, ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं वीडियो में। हमारे पास एक ब्लैक सर्कल है और टू रेड सर्कल है, सेम साइज, तीनों के सेम साइज हमारे पास, ओके। और एक हमारे पास ब्लैक स्ट्रिप है और फेविकोल है। अब कैसे यूज करेंगे हम? सबसे पहले जो हमारे पास रेड सर्कल है, इनको हम अच्छे से हाफ फोल्ड करेंगे। दोनों को अच्छे से हाफ फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से पेस्ट करना है हमें, लाइक दिस। तो उसके लिए हमें फेविकोल को ऐसे इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे लगाया है और इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये इस तरह से पेस्ट हो गया हमारा सर्कल, इतना कंप्लीट। अब इसमें क्या करना है हमें, जो हमारे पास ब्लैक स्ट्रिप है, मेरे पास कलर की खाली बोतल रखी हुई है, उसको इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करना है हमें। सर्कल ड्रॉ किया, अब इसको थोड़ा सा ये साइड, अब इसको हम ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे हम, इक्वल ये हाफ फोल्ड किया। जो हमारे पास सर्कल था, सर्कल यहां से था, अब यहां से हम ये पॉइंटेड, फिर यहां से लाइक दिस, देखो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है बिफोर कटिंग। जो ब्लैक सर्कल कट करेंगे उससे पहले हमें ऐसे ड्रॉ करना है। अब इसको हम कट करेंगे, बहुत ध्यान से कटिंग करनी है,
इसको ऐसे राउंड में लेना है। इसको वापस उसी डिज़ाइन में जैसे मैं राउंड में कट किया उसको बराबर से ऐसे इस तरह से कटिंग करते चलना है जो नीचे तक। अब फिर यहाँ से एक ट्रायंगल कट करेंगे हम। ये हमारा एक सर्कल कट हो गया है। सर्कल कट होने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आएगा। देखो लेडीबग का फ्रंट फेस बन गया है। अब इसको इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो इसलिए हम जो सर्कल हमारे पास हाफ से थोड़ा कम पे हम ऐसे राउंड में फेविकोल लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे रखें बिल्कुल। इसको ध्यान से हमें ऐसे पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब हम वाइट स्पेस वाइट पेपर लेंगे इसकी आइज़ के लिए हमें, क्योंकि टू आइज़ बनानी है। ब्लैक पे और कलर दिखेगा नहीं जितना वाइट दिखता है। वैसे भी आइज़ वाइट कलर की होती है। सर्कल में कट कर सकते हो, ओवल शेप में कट कर सकते हो। जी हम टू सर्कल कट हो गए हैं। अब इक्वली फेविकोल अच्छे से इस तरह फेविकोल से पेस्ट करेंगे। अब इसमें हम आइस बनाएंगे जो अंदर का पार्ट होता है। ओके, अब इन पे हम सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल बना लेना, स्मॉल बिग एज योर चॉइस। ज़्यादा सर्कल नहीं बनाने हैं। ठीक है, ऐसे इधर ये हमारी लेडीबग तैयार हो गई है। इसके अंदर भी सर्कल बना सकते हो आप। डन। अगर इसकी लेग बनानी है, लेग के लिए भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड करनी है हमें, क्योंकि चारों लेग हमें इक्वल बनानी है। ठीक है, इस तरह से इनकी लेग बन जाएगी। इसको उल्ट रखेंगे हम, इधर फेविकोल, उसके जस्ट सामने फेविकोल।
ऐसे ऐसे, फिर इसके नीचे यहाँ पे इधर ऐसे, जी ऐसे अभी इसकी लेग बन गई है, देखो। डन, इजी था बहुत। अब इसके बाद ये तो मैंने ब्लैक सर्कल यूज किया, अब तीनों इसके आगे आगे बनाते हैं। जो अगला बनेगा वो टी थ्री सर्कल से बनेगा, ठीक है। सेम, इसको हाफ फोल्ड करेंगे हम, इसको हाफ फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड नहीं करना है, पहले वाले में हमने तिरछा किया था, इसमें हमें बिल्कुल सीधा पेस्ट करना है, सर्कल के ऊपर सर्कल, हाफ सर्कल पेस्ट होगा। अब इसके बराबर में पेस्ट करना है ऐसे। अब इसमें सर्कल, कहीं भी सर्कल बना सकते हो आप। छोटे बड़े आपकी मर्जी है। ठीक है, ये बेस रेडी हो गया है। सेम ऊपर वाले का, बस इसमें क्या है, इसके विंग्स ओपन है, इसके विंग्स ओपन नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ब्लैक शीट का यूज़ करना है। ब्लैक शीट से सेम जैसे हमने उसको सर्कल बनाया है, ऐसे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, ये सर्कल बनाए। सेम नीचे हाथ थोड़े में फेविकोल लगाना है, फिर इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल कट करना है, स्मॉल भी कट कर सकते हो, इतना बड़ा भी कट कर सकते हो। ऐसे फेविकोल लगाना है, इसके बीच में ऐसे पेस्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या कहता हमने, सर्कल के साथ में कट किया था। अब इसको अलग अलग से कट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाली कटिंग, कटिंग के लिए हमें, जो ऊपर वाली कटिंग के लिए एक स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप लिए, इसको हाफ फोल्ड किया। अब इसमें कटिंग करनी है हमें, ये हमने टू कट कर दिए। अब इसमें जी ऐसे इधर फेविकोल, इसको उठा के इधर रखा, इधर फेविकोल, इसको उठा के इधर रखा। ठीक है, ये बैक साइड में हमने ऐसे पेस्ट किया है।
ये डन। अब सेम इसकी भी हम अलग से आइज कट करेंगे। अब इसमें सेम पहले की तरह हल्का वाइट स्पेस छोड़ना है। ये इसके ये कंप्लीट हो गई है। अब इसकी लेग भी सेम ऐसी कट करके पेस्ट कर सकते हो आप। देखो ये दोनों ईयरबड रेडी हैं। डन। कितना ईजी था। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और इसके नोटिफिकेशन वाले ऑल पे क्लिक करना। फिर जब भी मैं न्यू अपडेट करूँगा तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल पे यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगी तो उसको ओपन लिंक को ओपन करोगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ओके चलो ध्यान से करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है आपको, स्किप नहीं करनी है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।